नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हेल्थ इंडिया चैनल के आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पुराने और जिद्दी कब्ज को ठीक करने की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पुराने कब्ज को ठीक करने के लिए चार सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा। इन चारों दवाइयों में से कब्ज में कौन सी दवाई के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, साधारण कब्ज के लिए तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन जो पुराना कब्ज हो जाता है, जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता, वो इन चारों दवाइयों से ठीक हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने लक्षणों को ध्यान से मिलाइए और देखिए कि आपके लक्षण कौन सी दवाई से मिल रहे हैं। अगर आप उसी दवाई का सेवन करेंगे तो आपका कब्ज परमानेंट ठीक होगा। तो दोस्तों, पुराने कब्ज की जो सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई है, इसका नाम है ओपियम। ओपियम के लक्षण ये हैं कि जब मल छोटी छोटी गोलियों की तरह का निकलता है, यानी कि जैसे बकरी की मैंगन होती है, उस प्रकार का अगर आपका मल निकल रहा है, तो ऐसा मल केवल ओपियम दवाई में ही निकलता है। ओपियम के रोगियों को सोच जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, यानी कि दो दिन हो जाएंगे, तीन दिन हो जाएंगे, लेकिन उन्हें सोच जाने की इच्छा ही नहीं होगी। इन्हें पखाना जाए चार से पाँच दिन भी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी कोई भी कष्ट महसूस नहीं होता और ना ही इनको लैटरिन का प्रेशर बनता है। लेकिन जब ये लैटरिन करते हैं, उस समय इनका लैटरिन बकरी की मैंगन के रूप में गोल गोल निकलता है। तो दोस्तों, ये लक्षण कब्ज में ओपियम दवाई के हैं। दोस्तों, ओपियम छोटे बच्चों की भी बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर छोटे बच्चों को कब्ज हो जाता है तो ओपियम को 30 पोटेंसी में एक बूंद सुबह दे दें। ऐसा आपको केवल दो दिन करना है तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चों का कब्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बड़े लोगों में अगर कब्ज है, पुराना कब्ज है, तो ऐसी कंडीशन में ओपियम को 200 पोटेंसी में रोज सुबह शाम, दिन में दो बार, चार बूंद सुबह चार बूंद शाम को लगातार एक महीने तक लेना चाहिए। दोस्तों, पुराने कब्ज की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई है, इसका नाम है प्लम्बम मैट। प्लम्बम मैट सीनियर सिटीजन के कब्ज में बहुत ही अच्छा काम करती है। प्लम्बम मैट के कॉन्स्टिपेशन के लक्षण ये हैं कि इसमें हाजत तो होती है, प्रेशर तो बनता है, लेकिन पखाना बहुत मुश्किल से बाहर आता है। दोस्तों, प्लम्बम मैट का कब्ज ऐसा होता है कि इसमें पेट के अंदर दर्द भी होता है। आपको अपने पेट के अंदर दर्द भी महसूस होगा, लेकिन जब आप लैटरिन जाओगे तो लैटरिन बिल्कुल नहीं आएगी। कई बार लैटरिन आती है लेकिन फिर से अंदर घुस जाती है। दोस्तों, ये कब्ज जब होता है, जब सीनियर सिटीजन की जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर मूवमेंट की कमी हो जाती है, तो प्रेशर तो बनेगा, पेट में दर्द भी होगा, लेकिन लैटरिन नहीं आएगी। ऐसे लक्षणों में प्लम्बम मैट बहुत अच्छा काम करती है। इस दवाई को 200 पोटेंसी में चार बूंद सुबह को और चार बूंद शाम को लेना चाहिए। लगातार एक महीने तक लेने से ये दवाई पुराने से पुराने कब्ज को हमेशा के लिए ठीक कर देती है। दोस्तों, पुराने कॉन्स्टिपेशन की जो तीसरी सबसे मुख्य होम्योपैथिक दवाई है, इसका नाम है एल्यूमिना। दोस्तों, एल्यूमिना के लक्षण ये हैं कि इसका मल टाइट नहीं होता और ना ही बड़े बड़े लैंड के रूप में इसका मल निकलता है। यानी कि वैसे तो मल ढीला होगा, लेकिन ढीला मल होने के बावजूद भी कब्ज होगा। तो एल्यूमिना के लक्षण ये हैं कि ढीला मल भी आसानी से नहीं निकलता है। एल्यूमिना के पेशेंट में भी सोच जाने की इच्छा ज्यादा नहीं होती। इसे भी दो तीन दिन हो जाते हैं और लेकिन फिर भी सोच जाने की इच्छा नहीं बनती। जब ये सोच करने का प्रयास करता है, उस समय इसका जो मल है वो बहुत ही कठिनाई से निकलता है। तो ऐसे लक्षणों में एल्यूमिना को 30 पोटेंसी में चार चार बूंदे दिन में तीन बार लेना चाहिए। ये दवाई लगातार 30 दिन तक लेने से आपका पुराने से पुराना कब्ज, जो लक्षण एल्यूमिना से मिल रहे हैं, ढीला मल है फिर भी कठिनाई से निकलता है, ऐसा कब्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पुराने कब्ज के लिए, पुरानी कॉन्स्टिपेशन के लिए चौथी जो सबसे अच्छी दवाई है, इसका नाम है ब्रायोनिया। दोस्तों, ब्रायोनिया के रोगियों में आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है। इसके कॉन्स्टिपेशन में जो आपका मल आएगा वो बड़े बड़े लैंड के रूप में आएगा। ये काफी टाइट होता है और खुश्क होता है, यानी कि सूखा हुआ लैंड होता है। ब्रायोनिया के रोगी को बहुत तेज प्यास लगती है। ये दिन में कई बार पानी पीता है और बहुत ज्यादा पानी पीता है। ब्रायोनिया के पेशेंट की जीभ जब आप देखेंगे तो इसकी जीभ पर सफेद रंग की एक परत चढ़ी हुई होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी आंतों के अंदर खुश्की आ गई है, आंतों के अंदर नमी की कमी हो गई है, जिसके कारण से उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ऐसे लक्षणों में ब्रायोनिया को 30 पोटेंसी में चार चार बूंदे दिन में तीन बार लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो पुराने कब्ज की मैंने चार दवाई आपको बताई, इन्हें आप एक एक दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चारों दवाइयों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका आपस में कोई भी विरोध नहीं है। ये बहुत अच्छी दवाइयां हैं और पुराने कब्ज में बहुत अच्छा काम करती हैं। दोस्तों, वैसे तो होम्योपैथी में कब्ज को ठीक करने के लिए टैबलेट भी आती है, जो आप रात को ले लो और सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा।
लेकिन वो कब्ज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप अपने लक्षणों के अनुसार अपनी दवाई का चुनाव करें और उस दवाई को लगातार 1 महीने तक लें, जिससे आपका कब्ज हमेशा के लिए परमानेंट ठीक हो सके। दोस्तों, मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर पुरुषों की सभी प्रकार की यौन समस्याओं के ऊपर मेरे वीडियोज़ होते हैं। अगर आपको भी कोई यौन समस्या रहती है तो आप मेरे चैनल के वो सभी वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्या का कारण, उनके लक्षण और उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको मेरा नमस्कार।